आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जेसन वेब टोकन जो होता है वो क्या चीज होता है। तो जेसन वेब टोकन का यूज करके हम लोग अपने REST API को जो सिक्योर कर सकते हैं, उस पर अनऑथराइज्ड एक्सेस को हम लोग रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम की मदद से समझते हैं कि जेसन वेब टोकन जो वर्क कैसे करता है। तो अब हम लोग इस डायग्राम की मदद से समझते हैं कि जेसन वेब टोकन जो वर्क कैसे करता है। तो मान लीजिए आप अपने ब्राउजर पर गए, वहां पर आप अपने वेबसाइट पर गए और फिर आपने वहां पे लॉगिन वाले फॉर्म पे अपना डेटा भरा और फिर आपने उस डेटा को जो है HTTP के पोस्ट वाले मेथड का यूज करके अपने सर्वर पे भेज दिया जो जिस पर जो है आपने अपने REST API को बनाया है। तो इस पर जब आप अपने लॉगिन के इन्फॉर्मेशन को भेज देंगे तो आपका REST API वाला सर्वर उसे वेरीफाई करेगा और उसके बाद जो आपको रिटर्न में एक जेसन फाइल भेजेगा जिसमें जो है वो आपको एक जेसन वेब टोकन देगा। इस जेसन वेब टोकन को फिर जो है आप अपने ब्राउजर में जाके स्टोर कर लेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम से आपको कोई भी रिक्वेस्ट आप REST API वाले अपने सर्वर पर भेजेंगे अपने ब्राउजर के अंदर से, यानी कि मान लीजिए आपने लॉगिन कर लिया, उसके बाद जैसे कि आपको कुछ नया आइटम अपने जो है क्रिएट करना अपने ID के अंदर या कुछ डिलीट करना हो, तो उन हर चीज के साथ जो है आपके पास जो जेसन वेब टोकन अब है उसको आपको अपने HTTP हेडर में सेट करके अपने नए रिक्वेस्ट के साथ जो अपने सर्वर पे वापस आपको भेजना होगा। अब जब लॉगिन करने के बाद जब आपको टोकन मिल गया, उसके बाद जब आप दोबारा जो है अपने REST API वाले वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वहां पर वो सबसे पहले आपका जो REST API वाला जो सर्वर होगा वो आपका जो है HTTP हेडर से जेसन वेब टोकन को लेगा, उसे वेरीफाई करेगा, चेक करेगा क्या ये आप ही हैं जो आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक होगा तो वो आपके जो REST API द्वारा गए भेजे गए रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके आपको रिस्पांस दे देगा, और अगर आपके पास जेसन वेब टोकन नहीं होगा तो जो है फिर वो आपको रिस्पांस नहीं देगा। तो इस तरीके से जो है जेसन वेब टोकन वर्क करता है। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको ये काम मैनुअली नहीं करना होता है कि आप लॉगिन करेंगे फिर टोकन मिलेगा उसे आपको सेव करना है, हर रिक्वेस्ट के साथ आपको भेजना, ये सब काम जो है प्रोग्राम के थ्रू होता है, ऑटोमेटिकली होता है। इसमें आपको कोई जो है टोकन आपको कोई भी काम मैनुअली नहीं करना है। यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने अपने इस वाले कोर्स के अंदर जिसमें हम लोग REST API बना रहे टास्क मैनेजर एप्लीकेशन के लिए, उसमें मैंने जो है जेसन वेब टोकन कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, ये सब दिखाया है। इसके बाद मैंने एक दूसरा कोर्स बनाया जिसमें मैंने टास्क मैनेजर का फ्रंट एंड वाला जो पोर्शन है वो बना के दिखाया है एंगुलर जेएस का यूज करके। वहां पर मैंने इस जेसन वेब टोकन को यूज करके भी दिखाया, यानी कि आपको ऑथराइजेशन का फीचर जो कैसे क्रिएट करना है, कैसे यूज करना है, ये सब कुछ मैंने अपने इन दोनों कोर्स में कवर किया। इस वाले कोर्स में केवल REST API है, नेक्स्ट वाले कोर्स में जो है जो आपका फ्रंट एंड वाला है उसमें आप देख पाएंगे कि इस टोकन का आपको यूज कैसे करना है, HTTP हेडर में आपको कैसे भेजना है। अब हम लोग बात करते हैं कि जेसन वेब टोकन में क्या क्या चीजें होती है। तो जेसन वेब टोकन में जो है तीन चीज होती है जो कि एक पीरियड या हम कहें डॉट से सेपरेट होती है। सबसे पहला जो पोर्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं हेडर, जो कि ये बताता है कि जेसन वेब टोकन को जो है एनक्रिप्ट करने के लिए, हम कहें साइन करने के लिए कौन से एल्गोरिदम का यूज किया गया है। उसके बाद जो दूसरा वाला आपका पोर्शन होता है वो उसे हम लोग पेलोड कहते हैं, और ये जो होता है ये आपका जेसन टाइप का डेटा होता है जो कि आपको बताना होता है कि जेसन वेब टोकन में कौन सा डेटा स्टोर करना चाहते हैं, ये आप तय करते हैं, तो इसे हम लोग पेलोड कहते हैं। उसके बाद जो तीसरा पोर्शन होता है जेसन वेब टोकन में उसे हम लोग सिग्नेचर कहते हैं, और ये जो होता है इसकी मदद से आपके जेसन टोकन को जो वेब टोकन को वैलिडेट किया जाता है सिक्योरली। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं कि जेसन वेब टोकन जो होता है दिखने में इस तरह का होता है, ये इस तरह का होता है, और इसमें जो आप ये डॉट देख रहे हैं ये आपके तीन पोर्शन को जो सेपरेट करता है। सबसे पहले वाला जो पोर्शन है ये आपका जो है हेडर कहलाता है, दूसरा वाला जो पोर्शन है डॉट के बाद का ये आपका पेलोड कहलाता है, और जो तीसरे डॉट के बाद जो पोर्शन है इसे हम लोग सिग्नेचर कहते हैं। यहां पर आप देख लीजिए जब आप इस जेसन वेब टोकन को डिकोड करेंगे तो आपका इस तरीके से दिखाई देगा। सबसे पहला वाला जो पोर्शन है जेसन वेब टोकन में उसमें किस तरह का डेटा मौजूद है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसमें आपका हेडर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है। दूसरा वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन जिसमें पेलोड मौजूद होता है और इसको आप तय करते हैं कि आपको क्या स्टोर करना है, वो आपका यहाँ पर मौजूद होता है, ये आप देखिए पेलोड इस तरह का दिखाई देता है। उसके बाद जो तीसरा पोर्शन होता है जिसे हम लोग सिग्नेचर कहते हैं वो आपका इस तरह का दिखाई देता है, और इस तरह का जो होता है आपका जेसन वेब टोकन दिखाई देता है। अब इसको कैसे क्रिएट करना है और फिर आपको अपने REST API में कैसे यूज करना है ये सब मैंने अपने इसी कोर्स में आगे के वीडियोस में बताया है।